क्वेश्चन पूछने के लिए हमसे पूछ नहीं चाहता। हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अभी यूके में हमारा एक रिव्यू हुआ है जिसमें सारे प्रेस ने वहाँ पे देखी है, बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है वहाँ से। तो इट इज़ वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक बहुत ही ट्रू फिल्म है, बहुत ही रियल फिल्म बनाई है अमोल कुमार ने और बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक भी है फिल्म में और पिक्चर को स्टोरी को आगे लेके जाता है। और लेट्स सी सबको यहाँ पे भी पसंद आएगी, जैसे इतना अच्छा रिएक्शन फ्रांस में मिला, लंदन के अपना रिव्यूज़ में मिला। तो इट इज़ वेरी वेरी टची फिल्म, तो आप लोग भी देखेंगे तो आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे। It's not the comeback of any actress. She's done a fabulous job. And I can proudly say as a producer that she's has touched the mark of a performance of Nargis Dutt in Mother India. She is not playing Aishwarya Rai, she is playing Dalveer in the film. You will not see Aishwarya, you will get into, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा ये रियल कैरेक्टर हम देख रहे हैं, तो दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ हर। हमारी कोशिश है कि वहाँ पे फिल्म लोगों को देखी देखें सब लोग और प्रीमियर भी हो, वी आर स्टिल ट्राइंग फॉर दैट, क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हो या कुछ हो, वी आर शोइंग अ रियल स्टोरी जो हुआ था, तो आई डोंट थिंक उस चीज़ का किसी को कोई इशू होना चाहिए। तो वी आर स्टिल ट्राइंग बट वी आर नॉट सक्सीडेड इन द सेंसर टिल नाउ, बट वी आर टेकिंग टाइम। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।